दोस्तों पाकिस्तानी अदाकार सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और बज़ाहिर दीन इस्लाम से बहुत दूर हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे अदाकार हैं जो इबादत का शौक रखते हैं और कोई भी नमाज नहीं छोड़ते और दीन इस्लाम के बहुत करीब हैं, और ये अदाकार कैसे अपने दीनी फ़र्ज को पूरी तरह निभाते हैं और सेट पर शूटिंग रोक कर 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, जानते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नंबर 1 सारा खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे टॉप और खूबसूरत अदाकारा हैं। ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि खुश अहलाक भी हैं। इनकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई। बचपन ही से ये नमाज की पाबंद हैं और ये अपने शूट्स रोक के नमाज अदा करती हैं। सारा खान का कहना है कि कुरान पाक की तलावत भी रोज़ाना करती हूँ। ये अक्सर अपने हाथ में एक तस्बीह भी रखती हैं। इनका कहना है कि मुझे अल्लाह का जिक्र करना बहुत पसंद है और ये मेरा अवालीन फ़र्ज़ है। यही वजह है कि सारा खान ने कभी गैर अहलाकी और बेहूदा कपड़े भी नहीं पहने और ये अपने मसरूफ़ दिन में अपने पास बहुत से इस्लामी किताबें भी रखती हैं जिन्हें ये अपने फारिग वक्त में पढ़ती हैं। एक इंटरव्यू में सारा खान ने बताया कि मैं शूटिंग के वक्फे के दौरान भी ये दीनी किताबें पढ़ती हूँ। नंबर 2 खुशहा खान। दोस्तों ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री में नए अदाकार हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले मॉडलिंग के बाद पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, मैं ड्रामास की शूटिंग के दौरान भी अपनी नमाज नहीं छोड़ता। अलबत्ता इनके बारे में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का कहना है कि हम खुद शूटिंग रोक के इन्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त देते हैं, ये दीन इस्लाम के बहुत करीब हैं। नंबर 3 हमजा अली बासी। दोस्तों इनके बारे में कौन नहीं जानता, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और ये पाकिस्तान के बहुत से ही अदाकारों का क्रश भी है, मगर ये अपने बारे में बहुत कम बात करते हैं, इन्हें अपने बारे में बात करना पसंद नहीं। इस अदाकार ने दीन और दुनिया में से दीन को चुना और इन्होंने बताया कि मैं शोबिज में रहते हुए दीन से बहुत दूर चला गया था, यही वजह है कि इन्होंने पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ दी और इस्लाम के रास्ते को अपना लिया। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक किताब के लिखने के बारे में भी बताया जो एक इस्लामी सुलों पर मबनी किताब है जो कुछ अर्सा पहले शाया हो चुकी है। नंबर 4 अफान महीद। दोस्तों अफान वहीद का शुमार पाकिस्तानी डिसेंट अदाकारों में होता है। अफान वहीद के चाहने वालों की तादाद लातादाद है। ये अपने सोशल मीडिया पर अपने चाहने वालों को अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने का कहते हैं। इनका कहना है कि इस्लाम के अलावा ज़िंदगी गुजारने का और कोई बेहतर रास्ता नहीं मिल सकता। ये अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारते हैं, ये 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और अब ये पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत कम नज़र आते हैं। नंबर 5 फिरोज़ खान। दोस्तों जब भी किसी ड्रामे में किसी इंतहाई जुनूनी और जारहाना किरदार का रोल होता है तो फिरोज़ खान को पहली तरजीह दी जाती है क्योंकि वो ये किरदार बड़ी महारत से अंजाम देते हैं और इन्हीं जुनूनी मनाजर की वजह से इन्हें शोहरत बख्शी। फिरोज़ खान के बारे में सब जानते हैं कि ये दीन इस्लाम को बहुत अहमियत देते हैं, हत्ता कि इन्होंने इस्लाम की हाथर इंडस्ट्री को हैरबत कह दिया था। तमाम कुछ जाती मसाइल की वजह से इन्हें दोबारा इंडस्ट्री में वापस आना पड़ा, मगर ये ड्रामों में सूफियाना किरदार अदा करते नज़र आते हैं। इनका कहना है कि मैं इस्लामी सुलों के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूँ, ये दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और हज और उम्रे की सादत भी मिली। नंबर 6 हानिया आमिर। दोस्तों इस अदाकारा को देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि ये इस्लाम के नज़दीक है। ये नमाज के ना सिर्फ पाबंद हैं बल्कि ये रोज़े भी रखती हैं और कुरान पाक की तलावत भी करती हैं। कुछ अर्सा पहले इनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें ये शूटिंग रोककर नमाज अदा कर रही थी और ये इस बात को यकीनी बनाती हैं कि किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 7 इमरान अब्बास। दोस्तों आज इमरान अब्बास हर जगह मशहूर है, ये ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इनको चाहने वालों की तादाद शामिल है। इमरान अब्बास के बारे में सब जानते हैं कि वो दीन इस्लाम को बहुत अहमियत देते हैं और रमज़ान ट्रांसमिशन में नाते भी पढ़ते हैं। दोस्तों ये अदाकार नमाज के बारे में बहुत सहत हैं। इनका कहना है कि वो कोई भी नमाज नहीं छोड़ते और रमजान के दिनों में तमाम रोजे रखते हैं। नंबर 8 शहजाद शेख। दोस्तों इनका शुमार पाकिस्तान के मॉडर्न तरीन अदाकारों में होता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर इस्लाम के मुताबिक गुजारना शुरू कर दिया और अब ये शूटिंग रोक के नमाज अदा करते हैं। बहुत से लोगों का इनके बारे में कहना है कि ये दिखावे की नमाजें पढ़ते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, शहजाद शेख हकीकत में नमाज अदा करते हैं। नंबर 9 यशमा गिल। दोस्तों यशमा गिल का ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा अमेरिकी सकाफत में गुजरा। इनका कहना है कि मुझे इस्लामी असूलों पर बहुत गुस्सा आता था, अमेरिका में रहते रहते मैं इस्लाम से बहुत दूर चली गई थी और मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़ियात रूनुमा होने लगे थे कि मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खोने लगी थी।
इन्होंने बताया मेरे साथ हॉस्टल में एक लड़की रहती थी जो मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस्लाम की तरफ ले आई। अब मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ और उमरा की शहादत भी हासिल की। साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। मुझे चाहिए तो लाइक मारो। मैं जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।